नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे अश्वगंधा और पीली मूसली के बारे में। ये हमारे पास अश्वगंधा है, ये अश्वगंधा है, ये पीली मूसली है, ये पीली मूसली है। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यह हर पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। और पीली मूसली औरतों के लिए वरदान है। इसका सेवन करने से स्त्रियों को जो श्वेत प्रदर की बीमारी होती है, लिकोरिया होता है, उसमें हड्डियाँ खुरने लग जाती हैं, कमर में दर्द बहुत रहता है। इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि स्त्रियों की ये श्वेत प्रदर की, श्वेत पानी की शिकायत दूर हो। ये पीली मूसली है, मूसलियाँ चार प्रकार की होती हैं। ये पीली मूसली है, औरतों को पीली मूसली ही खानी चाहिए। ये श्वेत प्रदर की बीमारी दूर करती हैं, कमर दर्द को दूर करती हैं और हड्डियाँ मजबूत करती हैं। और प्रजनन के बाद, बच्चा होने के बाद जो कमजोरी आ जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, उसको भी दूर करती है। ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा भी बहुत से रोगों को दूर करती है। बुढ़ापे में जो कमजोरी आ जाती है उसको भी दूर करती है, बाय गठिया की बीमारी को दूर करती है, और जोड़ों में दर्द ठीक होता है, और बालों को काला करती है। अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली और पीली मूसली, ये आप 10-10 ग्राम या 20-20 ग्राम पंसारी की दुकान से ले आएं, 50 ग्राम भी ले सकते हैं, और इसको पीस कर इसकी कम से कम 30 पूड़ियाँ बनाएं। 2-2 ग्राम की 2-2 ग्राम की 30 पूड़ियाँ बनाएं, और इसको एक गिलास दूध के साथ हर रोज़ सेवन करें, तो आपकी सारी समस्याएं जो स्त्रियों के रोग हैं, स्त्रियों से संबंधित हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप इसका सेवन करें और अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें। ये आयुर्वेदिक दवाई है, ये कोई नुकसान नहीं करती है। ये आपके लिए वीडियो बनाई है। मेरे को 35 साल से आयुर्वेदिक दवाई का अनुभव है। हमारे पूज्य पिताजी आयुर्वेदिक दवाइयों के जानकार थे। वो घरेलू नुस्खे हमें बनाकर देते थे। हम हमेशा आयुर्वेदिक दवाई खाते थे और तंदुरुस्त रहते थे। आप भी, मैं चाहती हूँ कि तंदुरुस्त रहें और बीमारियों से दूर रहें, ताकि आप स्वस्थ रहें, तभी हमारा देश स्वस्थ रहेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको लाभ हुआ हो, तो आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।